हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्रिप्टो आजकल में। तो बात फिर से करेंगे जो मैंने पहले ही बताया था आप सबको कि देखो, हाइडस टोकन में बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनको थोड़ा सा लॉस हो चुका है, कुछ भाई जो हैं कुछ प्रॉफिट भी कमा चाहे। देखो, मैंने तो हाइडस टोकन से अपना डबल कर लिया है, ठीक है, डबल ही कर पाया। चलो कोई ना, डबल भी मैं खुश हूँ। बाद बाकी कुछ भाई ऐसे हैं जो शायद लॉस कर गए हैं, शायद नहीं, ज़रूर लॉस किए हैं। तो उनसे मैंने कहा था, जो भी मेरे से जुड़े थे जो भाई, तो उनसे मैंने हमें कहा था कि भाई इसको थोड़ा होल्ड कर लो। और मैंने ये भी कहा था कि अभी तुरंत बाई कोई मत करना। तो देखो, एक डिप बना चुका था, दो दिन का समय लेता ही लेता है स्टेबल होने के लिए। तो ये बिल्कुल स्टेबल, अब यहाँ से ये धीरे धीरे, अब देखो कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गया एक जो है। तो अब क्या होगा कि यहाँ से क्या है, ये पंप करेगा ही करेगा, दो दिन तीन दिन चार दिन के अंदर। अब देखना जो इसमें एक अच्छी स्पाइक आएगी, ग्रोथ आएगी, और इसके जो एक्सचेंज लिस्टिंग की भी खबर आई है तो ज़बरदस्त ये हो सकता है। सप्लाईज भी इसके थोड़े कम है लवली इनू के कंपेरिजन में, अगर आप देखोगे तो ये अगर पंप करेगा तो खतरनाक वाला दोस्तों पंप कर सकता है। और कहेंगे कि दोस्तों ज़्यादा मत लगाइएगा, थोड़ा बहुत जरूर लगा कर ट्राई कीजिए, क्योंकि $5 भी आपको $500 से $1000 बन सकता है। और अगर आपने $500 लगाया तो वो $5 में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये रिस्क ही होता है मेम्स कॉइन में, तो रिस्क लीजिए, लेकिन छोटा छोटा रिस्क लीजिए, इसमें ज़्यादा रिस्क है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा ज़रूर कीजिए। और कहना, अभी लवली इनू के रिकॉर्ड का भी बात थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं एक्सचेंज लिस्टिंग का बात करूंगा कि और ये कैसे कितना पंप करेगा थोड़ा और देख। तो मैंने उस दिन आप सबको कहा था कि देखो अभी ये डिप में है, उस समय जो है 1200 कुछ पे चल रहा था दोस्तों, जैसा कि उस समय मैंने बताया था कि एक सही समय है आपको प्रॉफिट करने कमाने का, प्रॉफिट बुक करने का। तो जैसा कि देख सकते हो 1288 हो चुका है, बिल्कुल जो मैंने बाइंग बताया था उस जगह से ये बिल्कुल उठ चुका है। तो अभी भी इसको कह सकते हैं यहाँ से भी एक बाइंग बन सकती है, क्योंकि देखो लवली न्यू है एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कभी भी अगर इनके ऑनर चाहें तो पंप कर सकते हैं, इसको किसी बायर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और अगर बायर खुद चाहे तो वो भी पंप कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, इसको थोड़ी सी लिस्टिंग वगैरह और दो चार पाँच दस बड़े बड़े एक्सचेंज पे भी करना हो, इवन एक सिर्फ बजीरक्स पे भी अगर हो जाता है तो आप समझ लो कि दो तीन जीरो तो ऐसी यूँ किल हो जाएंगे, ठीक है। बाइनेंस पे आता है तो कहाँ से कहाँ उड़ जाएंगे। तो दोस्तों अच्छा है, इस पर थोड़े से जो है आप थोड़ा सा मात्रा में ज़रूर इसमें होल्ड करके रखिए इसको। देखो अगर इसमें प्रॉफिट कमाना है तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, जो बात है जो, क्योंकि देखो सीबा इनू इतने ज़्यादा एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने के बावजूद भी अभी तक कुछ ग्रोथ नहीं कर रहा ना, उल्टे लॉस, वो भी लॉस में, ठीक है। तो आप इससे सिर्फ ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सिर्फ ये आपको प्रॉफिट दे, ये डिप भी बनाएगा, अच्छा है ना। देखो वेल्थ जो है यहाँ से निकल चुके हैं, आउट हो चुके हैं, अब जो भी आएंगे वो 100% रियल यूजर्स होंगे और छोटे छोटे यूजर्स होंगे, तो ये पंप होगा तो ज़्यादा डंप नहीं हो पाएगा, ठीक है। बाद बाकी थोड़ा कंपनी जो है, कंपनी के ऑनर को भी देखना होगा, जो सेल वगैरह अगर जो है उनके तरफ से अगर होने लगता है तो थोड़ी ये सोचने वाली बात ज़रूर हो जाएगी। तो थोड़ा ये सब चीज़ पर आप लोग खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कुछ नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, 1000-2000 का इन्वेस्टमेंट अगर क्रिप्टो में नहीं करते और होल्ड नहीं करते तो फिर तो क्रिप्टो में रहना दोस्तों बेकार है, ठीक है। बाद बाकी देखो क्रिप्टो आजकल आपको बाय एंड सेल की अनुमति नहीं देता, तो प्लीज़ आप अपने एडवाइज़र से जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो अब बात करेंगे दोस्तों जो है एक्सचेंज लिस्टिंग के रिगार्डिंग जो न्यूज़ आ रही है, चलिए उसको देखते हैं ओवरऑल सिनेरियो। तो जैसा कि आप देख सकते हो हाइडस टोकन के, मैं टेलीग्राम पे आ चुका हूँ, ओके ओके सॉरी। तो बिल्कुल ये टेलीग्राम हो गया, तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं दोस्तों ऊपर में ही पिनेट में ये चढ़ा रखा है। तो यहाँ पे न्यू लिस्टिंग अनाउंसमेंट, हाइडस फाइनेंस विल बी लिस्टेड ऑन प्रोबिट ग्लोबल ऑन September 30। तो 30 तारीख के डेट में ये जो है प्रोबिट पे लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर नज़र रखिए, और जो भाई लॉस में है तो मुझे लगता है कि आप कम से कम 10 दिन होल्ड कीजिए, आपके लॉस तो जरूर रिकवर हो जाएंगे, मेरा जो मानना है, ठीक है। तो उस तरह से आप अगर सही स्ट्रेटजी बना के चलेंगे तो सही रहेगा। बाद बाकी अभी ये ऑलरेडी डिप में आ चुका है, तो दो चार मतलब अपने अनुसार से जितना रिस्क सह सकते हैं उतना जो है थोड़ा बहुत रिस्क ले लीजिए। अगर प्रॉफिट देगा तो ज़बरदस्त खतरनाक वाला प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। तो दोनों ही रहते हैं, आशा करते हैं दोस्तों आप सब बिल्कुल मेरे बात से सहमत होंगे। तो थैंक यू, अगर अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।